खबर शाहजहांपुर जनपद से है, जहां थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1 किलो 825 ग्राम अफीम व लग्जरी कार एवं अन्य सामग्री बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर थाना खुटार पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। वही मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना खुटार को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 850 ग्राम लगभग अफीम बरामद की गई है और साथ में एक चारपहिया वाहन भी बरामद किया गया है, जिससे इसका ये हो रहा था ट्रांसपोर्ट हो रहा था। ये तो इस अफीम जो बरामद हुई है उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत है। इनसे पूछताछ में बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिसके आधार पे आगे की कार्रवाई चल रही है। इसके जो अपलिंक्स और डाउनलिंक्स हैं उन पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खुटार में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान के अंतर्गत एसओजी टीम द्वारा एक ऐसे शख्स का पर्दाफाश हुआ है, जो कि चोरी की गाड़ियां खरीदकर उनके पार्ट्स निकालकर बेचने का काम करता था। मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचने पर पुलिस द्वारा छानबीन करते हुए शख्स के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। फिर पुलिस द्वारा वांछित अपराधी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस की भारी मशक्कत के बाद वांछित अपराधी को एसओजी टीम एवं थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वांछित अपराधी वसीम रजवी कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी के ऊपर थाने पर विधिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यश सानंद ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के अंतर्गत एसओजी और थाना सदर बाजार की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी वसीम रजवी, जो जनपद बरेली के थाने बाहड़ी क्षेत्र का रहने वाला है, ये गिरफ्तार किया गया। ये 4 अभियोगों में वांछित चल रहा था। ये बेसिकली कबाड़ी है और ये जो गाड़ियां वाहन चोरी होते हैं उन चोरी के वाहनों को लेकर उन्हें वो काटकर और उनके पार्ट्स को अलग अलग बेचा करता था। इसके कब्जे से 2 ऐसे वाहन के कागजात बरामद हुए जो चोरी गए थे पहले, और 92,000 रुपया उन गाड़ियों के एवज में जो इसको पैसे मिले हैं वो बरामद हुए हैं। ये लगातार फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास चल रहे थे। ये मई महीने से ही वांछित चल रहा था ये, और इस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। इससे जो पूछताछ हुई इसमें और भी बहुत अहम जानकारियाँ आई हैं, जो जिस पर कार्रवाई चल रही है। वसीम के विरुद्ध थाना सदर बाजार में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल रवाना किया जा रहा है।